महंगा पेट्रोल इस बार सस्ता होने का इम्कान। यकम अक्टूबर से 332 रुपये मिलने वाला पेट्रोल 15 रुपये लीटर सस्ता करने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत 10 रुपये लीटर कम होने का इम्कान। मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हतमी फैसला निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ वज़ारत ख़ज़ाना की मुशावरत से करेंगे। सरेंडर नहीं करेंगे, शहदा के खून का हिसाब लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखला सरफराज बुगटी कहते हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में रौ मुलव्वस है, हर सूरत में बलूचिस्तान में रेड कायम करके दिखाएंगे। हाफिज़ अब्दुल्ला पर हमले के मास्टरमाइंड मारे जा चुके हैं, एक एक दहशतगर्द को उनके बिलों से ढूंढ निकालेंगे। तमाम इदारे मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे की जंग की क्यादत नवाज शरीफ करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का पंजाब के डिवीजन और अजला के सदूर और सेक्रेटरी जनरल के इजलास से खिताब, कहा चौथी बार वजीर आजम बनकर नवाज शरीफ तारीखी किरदार अदा करेंगे। एहसन इकबाल बोले नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान को तरक्की दी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा आवाम ही नहीं दुनिया भी नवाज शरीफ पर एतमाद करती है। राना सनाउल्लाह बोले नवाज शरीफ पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने एफआईए की दरख्वास्त पर वारंट जारी किए। एफआईए ने अदालत में मौकिफ इख्तियार किया कि अदालत ने मुलजिम के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। तलबी के समन की तामील के लिए बैरून मुल्क अरसाल किए गए। मोनिस इलाही जानबूझ कर वसूल नहीं कर रहे। अदालत ने मजीद कार्रवाई 11 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।